नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन ऐसे सस्ते शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जहां पे कि FII लाखों करोड़ों के शेयर्स उठाते चले जा रहे हैं। इन छोटे छोटे शेयर्स में और सस्ते शेयर्स में FII की बाइंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। मार्केट प्राइस एक शेयर का यहाँ पे 170 रुपीज़ है और टारगेट 600 रुपये का अचीव हो सकता है आने वाले एटलीस्ट 4 से 5 साल में। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर्स आप लोगों को होल्ड करने होंगे, तभी जाके अच्छा खासा पोटेंशियल अपसाइड आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एक चीज़ और एक वार्निंग वीडियो को शुरू करने से पहले ही देना चाहता हूँ, छोटे शेयर हैं, ऑलमोस्ट स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं, तो केयरफुली आप लोगों को यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। जो सबसे पहली कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, कंपनी ने रिटर्न्स आप लोगों को दिखाता हूँ कि कंपनी ने किस तरह से रिटर्न्स जनरेट किए हैं। एक साल में अगर देखा जाए तो 145% के रिटर्न जो हैं जनरेट करके दिए हैं कंपनी ने पिछले एक साल में, और 3 सालों का अगर देखा जाए फ्लैट तो 41% के रिटर्न दिए हैं। अब हम इस कंपनी के बारे में, इसके रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का नाम आप लोगों को बताना चाहूँगा, ओरिएंट सीमेंट। जी हाँ दोस्तों, ओरिएंट सीमेंट जो है कंपनी का नाम है। अब एक व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे कि आप कंपनी का नाम स्टार्टिंग में नहीं बताते, अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको कंपनी का नाम लास्ट में ही पता लगेगा। तो ओरिएंट सीमेंट कंपनी का नाम है। 2020 में यहाँ पे 2421 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट हुई, 2021 में 2324 करोड़ रुपए की। अब आप लोगों को लग रहा होगा रेवेन्यू तो यहाँ पे फॉल कर रहा है, लेकिन जब आप कंपनी के प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट कंपनी के अच्छे खासे इंक्रीज़ हुए हैं, और मुझे ये लगता है कि FII को यही चीज़ यहाँ पसंद आई होगी और इसीलिए FII ने यहाँ पे अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ की है। 2020 में देख लीजिए 86 करोड़ रुपीज़ की नेट प्रॉफिट बन के आया था, जो कि ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया था, ऑलमोस्ट ट्रिपल कहूँगा नेट प्रॉफिट हो गया था 2021 में 214 करोड़ रुपए का। तो कंपनी के जो हैं रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट अच्छे खासे हैं। और जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई, पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना चाहूँगा। प्रमोटर के पास 37% यहाँ पे देखेंगे। इस छोटी सी कंपनी में DII ने 20% की शेयर होल्डिंग बना रखी है और 37% जो है पब्लिक के पास है। और यहाँ पे ये छोटा सा जो ग्रीन हिस्सा है आप लोग देखेंगे 4.5% FII के पास है। और इस लेटेस्ट क्वार्टर में, यानी कि जून के क्वार्टर में, इस कैटेगरी ने, यानी कि FII ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, जो कि मार्च के क्वार्टर में मात्र 2% थी, उसको 4.5% के करीब लाके खड़ा कर दिया है। तो कुछ तो इन शेयर्स में बड़ा होने वाला है। FII अच्छे खासे शेयर्स उठा रहे हैं। ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड कंपनी का नाम है, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। और कंपनी का देखेंगे आप लोग कि FII ने अच्छे खासे शेयर्स उठाए हैं। कंपनी के सारे फाइनेंशियल आंकड़े भी देखेंगे तो 3466 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्मॉल कैप कंपनी 52 वीक का है, 174 का है, 52 वीक का लो 56 रुपए का। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी खासी है 1.18% की। और कंपनी में अगर डेट देखेंगे तो 797 करोड़ रुपए का और 663 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो है कंपनी के अंदर। ROCE 19% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 17% का, और प्रॉफिट ग्रोथ अगर कंपनी के अंदर आप लोग देखेंगे तो 394% की प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि अच्छी खासी है। प्रीवियस ट्रेडिंग डे को ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड 1667 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, इसीलिए मैंने कहा था 170 रुपीज़ के आसपास का शेयर है और 600 रुपये का टारगेट ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि जिस तरह से कंपनी के अंदर प्रॉफिट में उछाल आई है, आगे आने वाले समय में अच्छा खासा उछाल इस शेयर प्राइस के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड पहला शेयर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा शेयर बताना चाहूँगा, कंपनी जो है छोटी कंपनी है, एक साल में 347% के रिटर्न दिए हैं और 3 साल में 40% के। कंपनी का रेवेन्यू अगर आप लोग चेक करें तो देख लीजिए 2020 में 1104 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था और 2021 में 1291 करोड़ रुपए का। आगे बढ़ते हैं और कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेंगे यहाँ पे, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 500% का इजाफा हुआ है
नेट प्रॉफिट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 2020 में देख लीजिए 66 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट बन के आया, और देखा जाएगा 2021 में तो 333 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बन के आया कंपनी के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यही चीज़ FII ढूंढते रहते हैं, DII ढूंढते रहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम शेयर यहाँ पे किसके पास हैं, प्रमोटर के पास, उसके बाद पब्लिक के पास, DII और FII के पास छोटे छोटे हिस्से हैं। लेकिन आप लोग देखेंगे कि FII ने अचानक से जून के क्वार्टर में अपने शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है, 0.95% थी मार्च 2021 के क्वार्टर में, लेकिन इंक्रीज होके 2.55% होगी 2021 जून के क्वार्टर में, जो कि बहुत बड़ी बात है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 3,345 करोड़ रुपए का, अगर 52 वीक का हाई देखा जाए तो 210 का, और 52 वीक का लो मात्र 44 रुपए का है। ये शेयर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 27 या 28 रुपए के करीब हमने रिकमेंड किया था, हमारी टीम ने आप लोगों को 27 या 28 रुपए के करीब, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और कंपनी का ROCE देखेंगे तो 86% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 64% का, 1 रुपए की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 845% की प्रॉफिट ग्रोथ है, डेट फ्री ये कंपनी है, और स्मॉल कैप कंपनी डेट फ्री कंपनी मिले जिसके कि रेशियो इतने हाई हैं, कहीं भी ढूंढने से भी आप लोगों को ऐसे शेयर्स नहीं मिलेंगे। फ्री कैश फ्लो 87 करोड़ रुपीज़ का, और कंपनी का नाम है भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, पैकेजिंग मटेरियल जो होते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और कौन कौन से मतलब सेक्टर्स को काम में आते हैं इसके प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर एंड किचनवेयर। तो यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल का बिजनेस ये कंपनी करती है, भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड। और देखेंगे 201 रुपए के करीब ये शेयर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था। अगेन इसका टारगेट भी आसानी से 700 से 800 रुपए तक अचीव हो सकता है आगे आने वाले 4 से 5 साल में, लॉन्ग टर्म, हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में शेयर मार्केट में मैं सोचता हूँ। चलिए थर्ड शेयर आप लोगों को बताना चाहूँगा जिसने कि 1 साल के दौरान 69% के रिटर्न दिए हैं और 3 साल में 39% के रिटर्न। अगर इस कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए तो 2020 में 2,105 करोड़ रुपये और 2021 में 2,281 करोड़ रुपये। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो जो कि 2020 में 95 करोड़ रुपये का था, इंक्रीज़ होकर 2021 में 98 करोड़ रुपीज़ का हो गया है। और यहाँ पे अगेन शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि बहुत खास है वो बताना चाहूँगा। प्रमोटर ने मैक्सिमम शेयर यहाँ पे रखे हुए हैं 74%, यहाँ पे जो पब्लिक है 22% के करीब, और आप लोग देखेंगे 2.42% किसके पास, FII के पास। और FII ने भी अचानक से अपनी शेयर होल्डिंग जून के क्वार्टर में यहाँ पे बढ़ाई है स्मॉल कैप कंपनियों में, और जो कि मैंने कहा था सस्ते शेयर में कुछ तो बड़ा होने वाला है, FII ने करोड़ों के शेयर्स यहाँ पे खरीदे हैं। मार्च 2021 में देखेंगे 0.73% था FII का शेयर होल्डिंग, जो कि इंक्रीज होके जून 2021 में 2.42% का हो गया है। अगेन बहुत बड़ी ये बात है। कंपनी का नाम बताना चाहूँगा, टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, टाटा ग्रुप की ये कंपनी है, टाटा स्टील की सब्सिडियरी है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, आपको भी पता नहीं होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये पता था कि नहीं पता था। और कंट्री की ये फर्स्ट टिनप्लेट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है, और टाटा स्टील लिमिटेड की क्या है ये कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये टिन प्लेट की कट शीट्स बनाते हैं, कॉयल फॉर्म बनाते हैं, TFS शीट्स फॉर्म में भी बनाते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,618 करोड़ रुपए का, 52 वीक का हाई 275 का, और 52 वीक का लो 118 रुपए का है, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है, डेट मात्र 13 करोड़ रुपए के, और फ्री कैश फ्लो 223 करोड़ रुपए का है, ROCE 17% का, और रिटर्न ऑन इक्विटी 12% का है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 170 करोड़ रुपीज़ का। और कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पे ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पे देखेंगे तो 250 रुपए के आसपास ये शेयर जो है ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था प्रीवियस ट्रेडिंग डे को। जी हाँ दोस्तों, तो ये तीन शेयर थे जहाँ पे कि FII ने ज़बरदस्त बाइंग की है, सस्ते शेयर्स हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा, शेयर्स को बाय करने के लिए, सेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में 4 लिंक दिए गए हैं, अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग एंड एलिस ब्लू। चारों के लिंक पे क्लिक करें, अकाउंट ओपन करें और इन्जॉय करें चारों की सर्विसेज, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।